हेलो एवरीवन, आप सबको मेरे चैनल में वेलकम। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने आईफोन को iCloud कैसे रिमूव कर सकते हैं। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि हिंदी में बनाओ, उर्दू में बनाओ, सो ये वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे। और आप सब जो हैं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, 100% फ्री है। और जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे तो 100% आपका आईफोन का iCloud जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं ढूंढना, सिर्फ इस वीडियो को पूरा फॉलो करना है और एक एक चीज़ जैसे दिखाई जा रही है वैसे ही आपने करनी है, फिर आपका जो है iCloud रिमूव हो जाएगा। अच्छा, ये बहुत स्पेशल कोड्स हैं जो मैं ले के आया हूँ इस बार, और आप देखें कैसे होता है ये। आपके पास सिम कार्ड है, सिम कार्ड नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। जो भी मुल्क, जो भी कंट्री आपका आएगा, उसको ऊपर से आप अगर यूनाइटेड किंगडम में हैं या ऑस्ट्रिया में हैं या इंडिया में हैं कि किसी भी मुल्क में हैं, आप जो हैं बस इसको वही दबाएं जो लिखा हुआ आ रहा है सामने, और अपना वाईफाई जो है वो आप कनेक्ट कर लें होम वाईफाई के साथ। मैंने पहले ही कर लिया होम वाईफाई कनेक्ट। अगर किसी वजह से कोई चीज़ आपके लिए काम नहीं करती तो आप कमेंट कर दें नीचे, अपना मसला बताएं और मैं आपको 100% जो है वो मुफ्त में आपका हल बताऊंगा। इस वक्त शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तक आपने नहीं किया तो, और बाकी देखें अब क्या होता है। सबसे पहले हमने चेक किया वाईफाई कनेक्ट करने के बाद दैट इस आईफोन में iCloud लॉक है। आपका भी सेम लॉक होगा या फिर किसी पिछले ऑनर के ईमेल पे होगा या डिसेबल होगा, एप्पल आईडी लॉस मोड पे होगा, रेज होगा, किसी भी हालत में आपने बस यही करना है जो आपको दिखाया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे एप्पल आईडी है। अब यहाँ पे दो फ़ोन इस्तेमाल करने का मकसद ये है, मेरे पास दो तरह के कोड्स हैं। आपके पास जो है फ़ोन किसी भी तरह का हो, आपने पहले ये वाला कोड ट्राई करना है, अगर ना काम करे तो दूसरा कोड ट्राई करना है। तो ये मकसद है आपको दो फ़ोन दिखाने का। अब सबसे पहले दो तरह के कोड्स हैं, तो दोनों जो हैं जो इन्फॉर्मेशन है 100% काम करते हैं। जब आप देखें कैसे होता है, सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है 4367637637786। ये पहला कोड आपने यहाँ पे डाला। अब दूसरा कोड ये है। सो एक एक करके आप अपने फ़ोन में दोनों ट्राई कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से काम हो रहा है। अब दूसरा कोड यहाँ पे आ रहा है, वो आपने यहाँ पे लिखना है, शुरू हो रहा है 4367664364366। आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, 7379696। अच्छा जी, अब लिखने के बाद सब लोगों ने पासवर्ड में यहाँ पे लिखना है 0 10 बार। अच्छा जी, लिखने के बाद जब ये दोनों लिख दो तो नेक्स्ट का बटन दबाएं। दो अलग अलग कोड हैं हर तरह के फ़ोन के लिए, तो जो कोड आपके लिए काम कर गया वो आपके लिए कर गया। किसी सूरत में अगर कोई चीज़ आपके लिए नहीं काम कर रही तो आपने कमेंट लिख के मुझे बताएं, तो मैं आपकी मदद करूंगा। अब इस वक्त एक आईफोन में मेरे पास iOS 11 है, एक आईफोन में iOS 9 है मेरे पास इस वक्त। और ये जो तरीका बता रहा हूँ आपको, ये हर तरह के आईफोन में, हर तरह के iOS में ये काम करेगा। अच्छा जी, जितनी बार मैं नेक्स्ट दबा रहा हूँ इतनी बार ही आपने भी दबाना है। अगर आपने कोई भी
हिस्सा छोड़ने की कोशिश की तो फिर आपका iCloud लॉक नहीं हो सकता। पूरी वीडियो को आपने करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब करने के बाद हम वापस जाएंगे, ये कोड्स यहाँ पे लिख दिए गए हैं और अब जाके हम अपना वाईफाई सेटिंग में जाएंगे। अच्छा जी, वाईफाई सेटिंग में जाने के बाद अपना जो आपका वाईफाई है होम वाला उसमें जाएं, दो बार इसको रिलीज करें, इसको रीन्यू रिलीज दो बार। अच्छा जी, ये करने के बाद अब आपने अगला स्टेप ये करना है, सबसे एंड में जाना है, मैनुअल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने दो कोड मैं आपको बता रहा हूँ अब लिखने हैं इस फ़ोन के लिए। आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं जो पहले करना चाहें। तो पहला है 4234, ये लिखना है यहाँ पे, और दूसरा है 5983। ये लिखने के बाद अब अगला आपने पोर्ट ऐड करना है। अच्छा जी, एक पोर्ट आ रहा है यहाँ पे 6263 2207। अच्छा जी, दूसरी पोर्ट यहाँ पर आ रही है 4594 4594 1 5 9। अच्छा जी, ये दो हो गई यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ऑथराइज ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड करना है। सो यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों के लिए एक ही है जो मैं लिखूँगा, ये वाला कोड सेम है दोनों के लिए। तो आपने लिखना है 1804399 57, ये यूज़र नेम आप सब ने लिखना है 1804399 57। यूज़र नेम लिखने के बाद अब पासवर्ड सब ने क्या लिखना है, पासवर्ड आप सब ने लिखना है 700 700 677। ये लिखने के बाद आपने सेव का बटन दबाना है। जब आप सेव का बटन दबा देंगे तो बैक पे जाना है, कोड्स अभी भी यहाँ पे ही हैं। दोबारा अगला स्टेप, एक बार, दूसरी बार, स्टेप बाय स्टेप, कभी कभार बहुत देर भी लग जाती है, कभी कभार जल्दी रहता है। ये करने के बाद चलिए अब हमने अगले स्टेप पे जाना है, दोबारा वाईफाई सेटिंग्स में जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगर डीएनएस पे जाएंगे, मैनुअल में जाना है, डिलीट कुछ नहीं करना। इस वक्त इन दोनों के लिए दोनों कोड्स में एक ही डीएनएस है, सबने ऐड करना है यहाँ पे 1933। वन 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 फोर वन, ये करने के बाद सेव का बटन दबाना है और सेव का बटन दबाने के बाद बैक करना है। अब दोबारा शुरू से जाना है, स्टार्ट, ज़ुबान, जो भी मुल्क सामने आ रहा है, सिम कार्ड है नहीं है, और अगर आप सिम कार्ड नहीं है तो जो मुल्क आप रहते हैं वो आपने दबाना है। अच्छा जी, अब शुरू से यहाँ पे गए तो अब देखते हैं क्या होता है। ये ख़ास कोड्स अभी नए नए आए हैं जो कि अभी शुरू शुरू में फ़ौरन काम करेंगे, तो अगर आप फ़ौरन इस्तेमाल कर लेंगे
तो 100% आपका iCloud जो है वो रिमूव हो जाएगा। दोबारा गए उसी तरीके से, दोबारा मैनुअल पे, समटाइम्स बहुत देर भी लग जाती है। अब आप देखते रहें कि किस तरह से काम करता है। यहाँ पे तो टाइम आ गया है, यहाँ पे अभी तक नहीं आया, तो इसका मतलब ये वाला कोड जो है वो इस वक्त काम कर रहा है। अच्छा, दोबारा एक बार ट्राई करते हैं इस वाले को, इसको दोबारा ट्राई कर रहे हैं साथ साथ में। देखें टाइम आ गया ऊपर, इसका मतलब ये बिल्कुल सही दोनों कोड काम कर रहे हैं। यही इन्फॉर्मेशन थी कि 100% जो है दोनों के दोनों कोड काम करेंगे। अब आपने ये नहीं देखना कि आपके पास दो फ़ोन होने चाहिए, कोई एक फ़ोन जो भी आपको चाहिए दोनों कोड एक ही करके ट्राई कर लें। आपके सामने दोनों कोड काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आपके लिए ना चले तो अपना कमेंट करके मुझे बताएं और इंतज़ार करें जवाब का, और हमेशा अपना जवाब ज़रूर चेक करें। अब तक के लिए बहुत शुक्रिया आपका देखने का। इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल, शेयर कर लें और अपना कमेंट करें और बताएं कि आपके लिए क्या है।